हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी प्रकार से हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अवकलन का पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन दिया था और इसका प्रयोग भी करना सिखाया था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है अवकलन के कुछ अन्य फार्मूले बताएंगे जो इस प्रकार से हैं। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी अचर पद का अवकलन करना होगा x के सापेक्ष तो उसका जो है मान क्या होगा? जीरो। जैसे मान लीजिए कि तीन का अवकलन आपको x के सापेक्ष करना है तो d बाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? जीरो। ओके, दूसरा फार्मूला है d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि e टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकलन e टू दी पावर x ही प्राप्त होगा। तीसरा फार्मूला है d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x इज इक्वल टू ए टू दी पावर x लॉग a बेस e। चौथा है d बाई डी एक्स साइन x इज इक्वल टू कॉस x। नेक्स्ट है d बाई डी एक्स कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट फार्मूला है d बाई डी एक्स टेन x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है d बाई डी एक्स sec x इज इक्वल टू sec x tan x। d बाई डी एक्स cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू वन बाई एक्स। यहाँ पे बेस नहीं दिया गया है तो बेस जो है ये ऑलरेडी हमेशा माना जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है d बाई डी एक्स लॉग x बेस a। यहाँ पे बेस a दिया गया है, इसका अवकलन हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए। फ्रेंड्स, ये सभी फार्मूले यदि आपको याद हो जाते हैं तो आपके लिए जो है अवकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।